भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले दशमोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 के विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश के लिए एससी एसटी ओबीसी की छात्र छात्राओं के शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति न मिलने के संबंध में शुक्रवार को दर्जन छात्रों ने नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में गौरव पुनी संवाददाता से बात करते हुए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिला अध्यक्ष बिमलेश कुमार ने कहा, शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान करो, छात्रों की छात्रवृत्ति बहाल करो, हमारी छात्रवृत्ति बहाल करो, आगे और लड़ाई है, छात्रों की छात्रवृत्ति बहाल करो, शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान करो। मेरा नाम है बिमलेश कुमार, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिलाध्यक्ष गोरखपुर। सर, ये 2017 और 19 की जो प्रदेश सरकार बीएड विद्यार्थियों के लिए और अन्य बीटीसी इंजीनियरिंग कॉलेजों का क्या फीस बंद कर दिया, शुल्क प्रतिपूर्ति और फीस में इजाफा कर दिया, बढ़ा दिया, उसके विरोध में ये पूरे प्रदेश में 75 जिलों में एक साथ विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले ये धरना चल रहा है। हम लोग उसी के अंतर्गत यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। क्या मांग है? हमारी मांगे ये है कि ये शुल्क जो प्रतिपूर्ति रोकी गई इसको बहाल किया जाए और जो फीस में बढ़ोतरी हो रहा है उसको कम किया जाए, इस पर जो पहले से था उसी पर निर्धारित चले और ये विद्यार्थियों का जो शुल्क रुका हुआ उसको जल्दी से जल्द बहाल करें।